Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we start our lecture of maths from unit 5, integers. Integers kya hote hain? Integers bhi hamare paas numbers hote hain. बट इंटीजर्स में जो हमारे पास हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़े हैं उनमें हमने नेगेटिव नंबर्स का कोई जिक्र नहीं किया. इंटीजर्स होते हैं जिस इस सेट को हम जी से डोनेट करते हैं, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं, ठीक है. अगर प्लस 3 आ रहा है तो उसमें माइनस 3 भी आता है. इंटीजर्स का मतलब ही यही है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स की बात की जाती है. ओके, इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में टू परफॉर्म कैलकुलेशन विद इंटीजर्स और फिर इंटीजर्स के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बारे में रूल्स ऑफ एडिशन, एडिशन के रूल्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और डिवीजन के, इन सब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के रूल्स, टू अप्लाई द रूल्स फॉर ऑपरेटिंग ऑन इंटीजर्स और फिर उन इंटीजर्स पे अप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करने के रूल्स, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. इनके लिए हमें ये लॉ भी फॉलो कर, जो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के लिए भी हमने ये लॉस पढ़े थे, प्रॉपर्टीज थी जो. मैथ्स फ्लैश, मैथ्स फ्लैश में अब आपने इसके आंसर खुद करने होंगे. इनको चेक करते हैं. ओनली वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कैन यू फाइंड इट. वो कहते हैं कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, क्या आप उसको फाइंड कर सकते हैं? तो देखें, ज़ीरो इज़ अ नेचुरल नंबर. ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है. ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है, तो आपने नेचुरल नंबर का जो सेट पढ़ा था वो देखें, हमने पढ़ा था कि वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अगर नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो होल नंबर्स हो तब उनमें आता है, ठीक है. सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स ऑलवेज गिव्स अ होल नंबर. वो कहते हैं कि होल नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हमेशा एक होल नंबर ही देती है. तो देखें, होल नंबर्स में तमाम नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो अगर आप 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, वो भी होल नंबर में आता है. 0 माइनस 3 करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा? 0 माइनस 3 करेंगे तब आपके पास क्या आएगा? इक्वल टू माइनस 3, और वो भी होल नंबर्स, वो होल नंबर में फिर नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर्स में जस्ट हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है. होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेगेटिव, और 0 से नेक्स्ट राइट साइड पे मूव करते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो एग्जिस्ट ही ज़ीरो की राइट साइड पे करते हैं. मींस वो ज़ीरो से बैक साइड पे मूव करते हैं. राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं. इन बिटवीन हमारे पास ज़ीरो है, तो अगर 0 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 3, जो कि हमारे पास होल नंबर्स में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. अ होल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0, एक होल नंबर जो है वो जब 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा डज नॉट गिव अ होल नंबर, तो वो एक होल नंबर नहीं देगा. एक होल नंबर जो है वो जब 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो वो एक होल नंबर नहीं देगा. तो देखिए, वही ऊपर वाली स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज करके दे दिया है. होल नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी है 3, ठीक है, तो 3 अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, ठीक है. यहाँ पे देखें, होल नंबर अगर 0 में से, अब 0 होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो नंबर 0 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल 3 माइनस 0, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या करेंगे तो क्या आएगा? 5. 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 3. इसी तरह 100 माइनस 0 और 200, कोई भी आप नंबर ले लें उसको 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो नंबर एज इट इज़ आएगा. हाँ, अगर आप 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, बट 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 होगा, तो वो आपके पास वो होल नंबर में ही आंसर आएगा. सो ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है. नेक्स्ट जो लास्ट है, 7 माइनस 5 माइनस 2 एंड 7 माइनस 5 माइनस 2. आपने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लास 5 में किए होंगे, उसमें आपने वेरीफिकेशन, अगर आप एक साइड पे इस एक्सप्रेशन को रखें और दूसरी साइड पे इसको, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 7 माइनस
5 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे 3, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड 4 नॉट इक्वल टू 0, सो इन्होंने कहा था कि ये सेम रिजल्ट नहीं देखे, उन वक्त इनका रिजल्ट सेम नहीं है, सो हमारे पास जो एक स्टेटमेंट ट्रू है वो ये है। इन चैप्टर थ्री में हमने क्या पढ़ा था, द कोलिजन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की हमने कोलिजन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स वाज एक्सप्लेन्ड, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को एक्सप्लेन किया था, उसमें साथ हमने कोलिजन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को भी डिस्कस किया था। द कोलिजन प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन, हमने ये भी देखा था कि कोलिजन प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। व्हेन अ होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदर होल नंबर, जब एक होल नंबर किसी और होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा विच इज स्मॉलर देन द फॉर्मर, जो पहले नंबर से स्मॉलर होगा, द रिजल्ट नो लॉन्गर रिमेन्स अ होल नंबर, ठीक है, तो वो होल नंबर में रिजल्ट नहीं रहेगा। जैसे 6 माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल 7 माइनस 15, ठीक है, 11 माइनस 23, ठीक है। इंटीजर्स आर एन इन्फिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन्फिनिट क्या होता है, लामहदूद, लातादाद, जिनकी एंडिंग हमें नहीं पता। जैसे हमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की एंडिंग नहीं पता, सेम एज हमें इंटीजर्स के सेट की भी एंडिंग नहीं पता, जस्ट हमें यह पता है कि उनके इन बिटवीन जीरो लाई करता है और उसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स, दोनों टाइप्स के नंबर आते हैं इंटीजर्स में, बट उसमें होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में जस्ट पॉजिटिव नंबर आते थे। इंटीजर्स आर इन्फिनिट सीरीज ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स की एक लामहदूद सीरीज है जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये है हमारे पास इंटीजर्स की डेफिनेशन, जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। यूनिट 5 की एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले आपने जो जो डेफिनेशंस में हाईलाइट करवाऊंगी, आपने यूनिट नेम के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेफिनेशंस लिखनी होंगी, देन आपने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करने होंगे। ये आपने इंटीजर की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक पे और याद भी करनी है। इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव नंबर्स सच एज पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 3 एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। वो कहते हैं कि इंटीजर्स जो हैं वो दोनों टाइप के नंबर्स पे, पॉजिटिव नंबर्स में भी इंक्लूड होते हैं और इसमें एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि हैं -1, -2, -3 एंड 0। आपने ये बात याद रखनी है कि जो नंबर नेगेटिविटी के साथ आता है, नेगेटिव नंबर जीरो से लेस होता है, ठीक है। इट मीन्स -3 जो है वो जीरो से लेस है, 0 -3 से बड़ा नंबर है, ओके। द सेट ऑफ इंटीजर्स जी, इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको हम किससे डोनेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था जी से, ओके, जेड से। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डोनेटेड बाय द कैपिटल लेटर जी, जो इंटीजर्स का सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर जी से डोनेट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, जी इक्वल टू, अब तो सोन ये जा रहा है, फिर इस साइड पे है -281, फिर -100, -4, -3, -2, -1 और फिर आ जाता है 0, ठीक है। ये एक नंबर रे होती है, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट दिखाई जाएगी। ये नंबर 0 आएगा दरमियान में, इस साइड पे देखें पॉजिटिव है 1, 2 अप टू सोन, और इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव, और इनके एंडिंग हमें नहीं पता, सो हम अप टू सोन करते, अगर हमने सेट की एंडिंग करनी हो तो इन्फिनिटी का एक साइन होता है, हम वो यूज़ कर लेते हैं, जिससे ये जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें इसकी एंडिंग नहीं पता। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेपरेट सेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं हम उनको सेपरेट सेट्स में भी डोनेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक सेट को हम नाम दें जी पॉजिटिव और दूसरे को जी नेगेटिव, जी पॉजिटिव में हम तमाम नंबर्स को पॉजिटिव साइन के साथ शो करें, और नेगेटिव जी नेगेटिव के साथ हम इसको नेगेटिव साइन के साथ शो करें। तो अब देखें पॉजिटिव, आपने यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनके साथ पॉजिटिव साइन मस्ट यूज़ करना होगा, क्योंकि अब इसमें हमने डिफरेंस बताना है दोनों नंबर्स में। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स में, इट इज़ एन इन्फिनिट सेट, ये लामहदूद सेट है, हमें इसका सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर नहीं पता। इंटीजर्स इंक्लूड द नंबर 1, 2, 3, वो इन नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ये नंबर्स इसमें इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। देयरफॉर इसलिए
they include all the natural numbers. So इसमें तमाम natural numbers include होते हैं. Integers also include zero. Integers में zero भी include होता है. Therefore they include all the whole numbers. So इसमें तमाम whole numbers भी होते हैं. It means integers में natural numbers भी होते हैं और whole numbers भी होते हैं. Zero is neither positive nor negative. Zero ना तो positive है और ना ही negative है. It is simply an integer. ये एक सादा integer है and the least number of the system of whole number. और whole number का जो system है उसका सबसे छोटा number है. ठीक है, zero के साथ आपको plus minus लगाने की ज़रूरत नहीं है. Zero एक simple integer है जिसका हम least number जो whole number set का सबसे least number है. Thus natural number and whole numbers are subsets of integers. So जो natural numbers और whole numbers हैं वो integers के subsets हैं, क्योंकि integers के अंदर ये दोनों sets आते हैं. N subset of Z and W subset of Z means natural number subset of Z and W whole number subset of Z. Next integers, ये हमने the integers Z के set के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने लगे हैं integers on a number line. नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं. नंबर लाइन से आपको इंटीजर्स की पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा. सिंस इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. और कहता है कि चूंकि हमें पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं और जीरो भी होता है, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर रे. तो वो नंबर रे में नहीं लिखे जा सकते. ड्रा अ नंबर लाइन. ठीक है, नंबर रे और नंबर लाइन में डिफरेंस होता है. नंबर रे में हमने नंबर्स को डोनेट किया था, वो जीरो से स्टार्ट होती है. नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी होगी. दैट एक्सटेंड टू इन्फिनिटली इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शंस, जो कि दोनों डायरेक्शंस में चलेगी. ठीक है, नंबर रे जो थी वो जस्ट हम जीरो से स्टार्ट कर रहे थे और वो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सॉरी मूव करती थी, मीन्स वो जस्ट पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी. नंबर लाइन जो होगी वो दोनों डायरेक्शंस में नंबर को शो करेगी, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ. ठीक है, तो अब देखिए ये है नंबर लाइन हमारी. मिड में आप जीरो लिखेंगे. ठीक है, कोई भी जब नंबर लाइन होती है उसके मिड में आपने जीरो लिखना होता है. जीरो के राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर्स लिखने होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपने नेगेटिव नंबर. अब आप देखें वो कहता है कि जब पॉजिटिव नंबर्स की बात होगी तो वो इट मींस नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जब नेगेटिव नंबर की बात हो रही तो इट मींस वो नंबर कम से कम होता जा रहा है. इट मींस माइनस वन जो है, जब माइनस टू होगा तो इट मींस वो नंबर और छोटा हो गया. माइनस थ्री होगा तो नंबर और छोटा होगा. ठीक है, माइनस फोर इज लेस देन माइनस वन. ठीक है, माइनस फोर जो है वो माइनस वन से लेस है, क्योंकि इस साइड पे नंबर जब मूव करते जाएंगे तो वो नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, लेस होते जाएंगे. ठीक है, ये आपने अपने माइंड में मस्ट कॉन्सेप्ट रखना है. द नंबर लाइन इंक्लूड जीरो. नंबर लाइन में जो है वो जीरो भी इंक्लूड है. पॉजिटिव नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड. पॉजिटिव नंबर जो है वो राइट साइड पे होंगे ऑफ जीरो, जीरो के राइट साइड पे. ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार इसको फिर से गौर से सुने. नेगेटिव नंबर्स अपीयर टू ऑन द लेफ्ट, और नेगेटिव जो नंबर्स होंगे वो लेफ्ट पे लिखे जाएंगे. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस एक्ट एज डायरेक्शंस. पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस होंगे वो हमने मस्ट यूज़ करें, क्योंकि वो हमारी डायरेक्शंस को शो करेंगे. सिमिलर टू रोड डायरेक्शन, जैसे रोड की डायरेक्शन होती है. दैट आस्क द ड्राइवर टू टर्न लेफ्ट और राइट, जिस तरह हम ड्राइवर को कहते हैं कि राइट या लेफ्ट टर्न करो. अ पॉजिटिव साइन प्लस डोनेट्स मूवमेंट टू द राइट अलॉन्ग द नंबर लाइन. जो पॉजिटिव साइन होगा वो नंबर्स की राइट साइड पे मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. द वैल्यू इंक्रीजेज एज वी मूव टू द राइट. हम राइट साइड पे मूव करते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी. मीन्स वन से टू पे जाएंगे, टू से थ्री पे जाएंगे तो वो नंबर बढ़ता जा रहा है. थ्री से फोर, फोर से फाइव. ठीक है, वो नंबर बड़ा होता जा रहा है. अ नेगेटिव साइन डोनेट्स मूवमेंट टू द लेफ्ट अलॉन्ग द नंबर लाइन. और नेगेटिव साइड जो होती है वो नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे मूवमेंट को डोनेट करती है. द वैल्यूज डिक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट. हम लेफ्ट पे मूव करते जाएंगे, माइनस वन से माइनस टू पे, माइनस टू पे माइनस थ्री पे, माइनस थ्री से माइनस फोर पे, तो वो नंबर कम से कम होता जाएगा. ठीक है, ग्रेटर नहीं होगा, नंबर लेस होता जाएगा. माइनस वन से माइनस टू पे मूव करेंगे तो नंबर छोटा हो गया. माइनस टू से माइनस थ्री पे गए, नंबर मजीद छोटा हो गया. फॉर दिस रीजन, इस वजह से इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टेड नंबर्स. इंटीजर्स का एक और नाम भी है, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड नंबर्स. द साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन. जो साइन है वो जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है द नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर देखें, पॉजिटिव जो फाइव है वो लेस है पॉजिटिव सेवन से. तो ये तो ऐसे तो इसको नहीं पढ़ सकते. पॉजिटिव जो फाइव है
5 लेस देन 7 ये हमें पता है और 7 ग्रेटर देन 5 ठीक है ये हमें पता है। तो जो पॉजिटिव में नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव 5 पॉजिटिव की बात होगी तो 5 इज लेस देन 7, 7 बड़ा है 5 से और 5 लेस है 7 से। बट जब आएगी बात नेगेटिव की तो 15 इज लेस देन 2 ठीक है, 15 माइनस 15 जो होगा वो 2 से लेस है ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है और वो जीरो से भी लेस है ठीक है। आपने इतना याद रखना है कि जो नेगेटिव नंबर होंगे वो जीरो से भी लेस हैं तो ऑब्वियसली वो प्लस नंबर से भी 2, 3 से भी लेस ही होंगे। माइनस 6 लेस देन माइनस 4, माइनस 6 जो है वो माइनस 4 से लेस है ठीक है, माइनस 4 माइनस 6 से ग्रेटर है। माइनस 17 लेस देन माइनस 5, माइनस 17 जो है वो माइनस 5 से लेस है। माइनस 5 से देखें माइनस 6 पे मूव किया, माइनस 7 माइनस 8 ये नंबर कम से कम होता जा रहा है, तो माइनस 17 माइनस 5 से लेस है। एंड प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 10, जो 1 है सिंपली 1, 0 के बाद राइट साइड पे 1 आता है तो 0 के बाद राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे माइनस 10 आता है, तो देखें 0 से पीछे आप जा रहे हैं, 0 से पीछे पीछे जा रहे हैं, माइनस 1 माइनस 2 तो प्लस 1 जो है वो माइनस 10 से ग्रेटर है। इसी तरह ये भी आपके पास दो एग्जांपल्स दी गई हैं, माइनस 10 ग्रेटर देन माइनस 13 एंड प्लस 8 जो है वो ग्रेटर देन माइनस 19, क्योंकि प्लस 8 0 के लेफ्ट साइड पे मूव कर राइट साइड पे मूव कर रहा है और वो 0 से ग्रेटर है, और माइनस 19 0 से राइट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो वो 0 से भी लेस है। पेज नंबर 62 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है ठीक है, इंटीजर्स और नंबर लाइन, नंबर लाइन को हम इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी हम डायरेक्शंस और साइंस के साथ उनको रीड कर रहे थे। नेक्स्ट हम पेज 63 पे मूव करेंगे इसी टॉपिक को लेके ठीक है। द इंटीजर पॉजिटिव 3 इंडिकेट्स मूविंग 3 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम 0, वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव 3 होगा वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि 0 से राइट साइड पे हमने मूव किया है कितने स्टेप्स, 3, 0 से 1 स्टेप 1, 2 स्टेप 2 एंड 3 स्टेप 3। द इंटीजर माइनस 5 इंडिकेट्स मूविंग 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट, और जो माइनस 5 होगा वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमने 0 से 5 स्टेप्स लेफ्ट पे मूव किया है। इफ द इंस्ट्रक्शन प्लस 3 माइनस 5 आर फॉलोड, अगर हम ये पॉजिटिव 3 और माइनस 5 की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, वी लैंड अप एट माइनस 2 ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के में माइनस 2 भी आएगा ठीक है। थस द आंसर ऑफ प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि देखें यहाँ पे माइनस 5 जो हमारे पास साइन ग्रेटर नंबर के साथ होता है हम उसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे जब हम इनको एक साथ लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 2। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपने खुद देखनी है ठीक है, ये आपके उन्हीं नंबर्स के साथ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, हम आपके पास ये नंबर्स गिवन हैं। इन प्रैक्टिकल टर्म्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस 1 एंड माइनस 1, जो प्रैक्टिकल टर्म्स हैं उनमें पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 में क्या डिफरेंस है। इफ समीरा हैज़ 2 रुपीज़ इन हर पॉकेट, अगर समीरा के पास अपनी पॉकेट में 2 रुपीज़ हैं, शी इज़ एट पॉजिटिव 2, तो फिर वो किस पॉइंट पे है, पॉजिटिव 2 पे। इफ़ शी हैज़ यहाँ पे उसके पास रुपीज़ जो थे और यहाँ पे वो आर ई 1 इन हर पॉकेट, शी हैज़ एट नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 ओके, तो वो नेगेटिव 1 की नेगेटिविटी पे है ओके। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स होंगे, आपने इनको खुद चेक करना होगा ठीक है। एग्जांपल 1 पे हम मूव करते हैं, एग्जांपल 1 इज व्हाट इज स्मॉलर माइनस 4 और माइनस 5, वैसे तो आपको ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 5 ठीक है, क्योंकि माइनस 4 के बाद जब हम माइनस 5 पे मूव करेंगे तो वो नंबर मजीद छोटा हो रहा है। सॉल्यूशन, लुक एट द नंबर माइनस 5 lies to the left of minus 4, so minus 5 is smaller. देखें 0 से अब minus 1 से minus 2 छोटा हो गया, minus 3 से minus 2, minus 3 जब आया तो वो minus 2 से भी छोटा हो गया, minus 4 जब आया तो minus 3 से भी less हो गया, और minus 5 means आप इसके आगे move करते जाएंगे और ये number इससे less होता जाएगा, so minus 5 is less than minus 4. Example 2, fill in the boxes with the symbols
greater or sorry lesser or greater less than or greater than number 1 minus 5 less than or greater than तो माइनस फाइव आपको पता है कि लेस है पॉजिटिव फाइव से ठीक है कि माइनस फाइव छोटा नंबर है तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन और पार्ट टू थ्री ग्रेटर देन क्योंकि माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर्टीन क्योंकि माइनस थ्री से आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे आप आगे मूव करते जाएंगे नंबर छोटे से छोटा होता जाएगा माइनस फोर्टीन पे जाएंगे तो माइनस थ्री मजीद छोटा हो रहा है सो माइनस थ्री लेस देन माइनस फोर्टीन जीरो इज ग्रेटर देन माइनस फाइव क्योंकि जीरो से राइट लेफ्ट साइड पे आप जाते जाएंगे तो नंबर छोटा हो रहा है जीरो से नेगेटिव के जितने भी नंबर हैं वो जीरो से लेस हैं ठीक है ओके सो जीरो लेस देन माइनस फाइव और माइनस फाइव ग्रेटर देन माइनस टेन माइनस फाइव माइनस टेन से ग्रेटर है क्योंकि माइनस फाइव के बाद आप जब मजीद नेगेटिव फाइव स्टेप्स मजीद मूव करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा सोल्यूशन माइनस फाइव यहाँ पे जो मैंने आपको बताई हैं इसकी इनकी रीजंस यहाँ पे वही लिखी गई हैं माइनस फाइव लाइज टू द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव फाइव ऑन द नंबर लाइन माइनस फाइव जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है पॉजिटिव साइड के बनिस्बत सो माइनस फाइव इज लेस देन पॉजिटिव फाइव यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकंड वन के लिए मैंने आपको बताया था माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फोर्टीन लेस देन माइनस थ्री ग्रेटर देन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आता है ये उन्हीं की इन ये जो मैंने आपको यहाँ पे साइंस बताए हैं यहाँ पे आता है लेस देन यहाँ पे आता है ग्रेटर देन और यहाँ पे ग्रेटर देन ठीक है एंड दिस वन ग्रेटर देन माइनस फाइव ग्रेटर देन माइनस टेन ठीक है जीरो ग्रेटर देन माइनस फाइव माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर्टीन और माइनस फाइव लेस देन पॉजिटिव फाइव तो आप यहाँ पे उनकी वही स्टेटमेंट फॉर्म्स लिखी गई हैं ओके आपको पेज नंबर 63 एक्सप्लेन किया जा चुका है 63 से 64 से कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल 3 एग्जांपल 3 क्या है व्हाट इज स्मॉलर माइनस 99 और 9 माइनस 99 ठीक है नेगेटिव 99 लेस है या ये क्या इन दोनों का आपस में क्या है लेस देन का रिलेशन है या ग्रेटर देन का तो देखें आपको बगैर सॉल्यूशन के भी पता होना चाहिए मैंने आपको ये क्लियर फॉर्म में बता दिया है कि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से स्मॉल होते हैं सो सॉल्यूशन में क्या आएगा ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की निस्बत सो 99 इज लेस देन 9 ठीक है आपको ये मालूम है एग्जाम्पल 4 अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स नंबर स्मॉलर से ग्रेटर होता जाएगा ठीक है तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मूव करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे एग्जाम्पल 4 में माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 0 2 सॉल्यूशन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन से अगर हम इनको देखें तो द करेक्ट ऑर्डर इज 0 को हम इन बिटवीन रखेंगे ठीक है और एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स और फिर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज़ करना है ठीक है जीरो के अब देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप राइट साइड पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव टू नंबर्स है 4 और 2 2 जो नंबर है वो छोटा है और 4 नंबर ग्रेटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पर 2 और फिर 4 अब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर हैं पहले क्या आएगा माइनस 1 ठीक है और फिर आएगा माइनस 3 क्योंकि माइनस 1 जो है वो ग्रेटर नंबर है माइनस 3 से हमने इनको इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है ठीक है माइनस 1 से माइनस 3 पे मूव करें ये नंबर इससे छोटा होता जा रहा है ठीक है और 2 और 4 से यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है ओके 2 से ये ग्रेटर नंबर एग्जांपल 5 राइट टू द नेक्स्ट टू इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस माइनस 12 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 4 ये लिख रहे हैं 4 के मल्टीपल्स के उससे तो नेक्स्ट आएगा माइनस 1 ठीक है क्योंकि ये 4 नंबर्स का डिफरेंस इसमें छोड़े माइनस 12 के बाद माइनस 11 माइनस 10 माइनस 9 ठीक है तीन नंबर्स को छोड़ के फोर्थ वन ये नंबर लिख रहे हैं माइनस 11 तो माइनस 8 को के बाद उन्होंने माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 5 को छोड़ के माइनस 4 लिखा है तो माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 को छोड़ के यहाँ पे आएगा 0 और नेक्स्ट आएगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे देखें पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे अब माइनस 4 के बाद 4 नंबर्स के बाद आया 0 और 0 के 4 नंबर्स के बाद 3 नंबर्स के बाद फोर्थ वन जो है 4 इसी तरह 7 5 और 3 इनमें जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 5 और 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 से छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा माइनस 1 ठीक है और माइनस 1 से हम यहाँ पे 2 नंबर्स का डिफरेंस रख रहे हैं 7 माइनस 7 के बाद 5 और 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1 और 1 के बाद माइनस 1 और माइनस 1 के बाद माइनस 3
नंबर लाइंस आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट कैलेंडर्स। नंबर लाइन अक्सर औकात या बस औकात आप कैलेंडर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन सच केसेस दे आर कॉल्ड टाइम लाइन्स आर डेड लाइन्स इनको टाइम लाइन्स या डेड लाइन्स कहते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर्स की बहुत सी इकसाम हैं सच एज द जॉर्जियन चाइनीज एंड इस्लामिक वंस। हाउ एवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ठीक है पीपल अराउंड द वर्ल्ड रिकोगनाइज द जॉर्जियन कैलेंडर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ टाइम लाइन वेयर इन द ईयर्स। वो कहते हैं कि कैलेंडर बहुत टाइप के हैं जॉर्जियन चाइनीज इस्लामिक और लोगों की आसानी के लिए ठीक है सादा उसको रखने के लिए हम अमूमन जो यूज़ करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर होता है। इसमें टाइम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन वेयर द ईयर्स टू द राइट ऑफ जीरो इंडिकेट जिसमें जीरो को राइट साइड पर इंडिकेट किया द कॉमन एरा आर कैलेंडर उसमें कॉमन जो हम नंबर्स को सब जानते हैं एंड दोज टू द लेफ्ट बाय आर बिफोर कॉमन एरा। अब आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक किए इंटीजर्स के इंटीजर्स को नंबर लाइन इंटीजर्स का सेट कैसा होता है इसमें कितने नंबर्स होते हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनकी लेसर और ग्रेटर की प्रॉपर्टीज़। लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके अल्लाह हाफिज़।